दोस्तों साल 2020 अपने अंतिम पड़ाव पर है और किसी न किसी स्टार के निधन की खबर आ ही जा रही है। फिल्म गट्टी पिक्चर में विद्या बालन के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस आर्या बनर्जी का निधन हो गया है। वे 33 साल की थी। साल 2020 में न जाने फिल्म इंडस्ट्री के कितने सितारों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वे कोलकाता की जयपुर पार्क एरिया में एक अपार्टमेंट में रहती थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर एक्ट्रेस की डेड बॉडी को बाहर निकाला था। आर्या का पूरा नाम देवदत्ता बनर्जी था। वे सितार वादक निखिल बनर्जी की बेटी थी। आर्या ने अपने कमरा बंद कर रखा था। जब आस पड़ोस के लोगों के खटखटाने और आवाज लगाने पर भी आर्या ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो फिर उन्हें फोन लगाया गया, मगर आर्या की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलते देख पड़ोसियों द्वारा पुलिस को कॉल कर मामले की जानकारी दी गई। आर्या अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उन्हें डांस से प्यार था। उनके पास एक पालतू कुत्ता भी था। पुलिस ने उनके घर से कुछ दवाइयां और दारू की बोतलें भी बरामद की। फिलहाल पुलिस ने अननेचुरल डेड का मामला दर्ज कर दिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। बता दें कि आर्या गट्टी पिक्चर के अलावा राजकुमार राव की फिल्म लव सेक्स और धोखा का हिस्सा रह चुकी थी। ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस की छानबीन में क्या सामने आता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आर्या बनर्जी के साथ क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने सुसाइड किया है या फिर उनका मर्डर हुआ है? आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत और बॉलीवुड की ऐसी लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।